दोस्तों, अगर आपके 0 सब्सक्राइबर है और आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, आप ऐसे वैसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना चाहते, आप ऐसे नहीं करना चाहते कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको वीडियो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा और बाद में वो आपकी वीडियो को देखे ही ना, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस ही नहीं है, तो गाइस आप टारगेट कर रहे हो गलत ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल, आप नया चैनल ओपन करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर देते हो, आपका फ्रेंड सर्कल चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे आपके 1000 लोग हों, लेकिन आपके चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, आपके वीडियो को ओपन किया, लाइक किया, दैट्स इट। उसके बाद आपकी वीडियो वायरल नहीं होती है और ना ही आपके वो सब्सक्राइबर किसी काम के होते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर 300-400 हो जाएंगे लेकिन वो आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आप उनके फ्रेंड हो तो वो आपकी वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद आपसे वो वीडियो का कोई लिंक नहीं रखते, कब मर्जी अपलोड कर दीजिए। चाहे ये ट्रिक को आप यूज़ करके देख लीजिए, आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करके देखिए कि भाई मैंने आपको वीडियो भेजा था कैसा लगा, तो भाई उन्होंने कहना वीडियो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप उस वीडियो में कोई सवाल पूछोगे तो वो कहेगा यार इतनी मैंने देखी नहीं थी, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने वीडियो देख के थोड़ा सा देखा, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे लेनी है जो आपकी पूरी वीडियो देखे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को तभी देखना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। मैं ट्रिक तो बताता हूँ लेकिन उस पर काम कितना करते हो दिल से बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वाकई में ही काम करते हो, शायद नहीं करते। तो दोस्तों, आज की डेट में सभी को पता लग चुका है कि सभी को सब्सक्राइबर की नीड है, वॉच टाइम की नीड है, व्यूज़ की नीड है, तो इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए, और यही टॉपिक है जो रैंक भी करते हैं, आप सभी को पता है। और दोस्तों, आज मैं यही बताऊंगा कि आप सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हो। हो सकता है मेरी वीडियो के नीचे भी वो चीज़ आ जाए जिसे आपको हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको, जैसे कि सभी बताते हैं कि आपको एक ऑडियंस यानी कि आपको एक कैटेगरी यानी कि आपको एक अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करना है, और कॉन्टेंट किस कैटेगरी में होगा ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लॉगिंग या टेक या कोई भी कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो, तो उसके बाद आपको फिर से वही कर रहे हैं कि आपको नोट डाउन करनी है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टेक कैटेगरी की वीडियोस बनाते हो तो आपको जो भी टेक कैटेगरी के बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो है, चेक करनी है और वीडियो देखनी है किस रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं या कुछ भी, मोनेटाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसा मतलब वीडियो आता है, तो उनके नीचे आपको कमेंट रीड करने हैं। जैसे ही आप उनके कमेंट रीड करोगे, वहाँ से आपको फाइंड आउट करने हैं कि किसी ने सवाल भी पूछे होते हैं। काफ़ी ऐसे क्रिएटर होते हैं जो मतलब छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं, वो सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको रिप्लाई करना है, उनको मतलब उनके जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे देना है, और उसके बाद जब आंसर दोगे वो थैंक्स का मैसेज नीचे छोड़ेगा, उसके बाद आपको एक मैसेज और रिप्लाई और कर देना है कि भाई मैं भी कुछ इस तरह के वीडियोस बनाता हूँ, एक बार मेरे चैनल पे भी विजिट ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा कि भाई पहले तो आपने उसे उसका सवाल का जवाब दे दिया और वो इंटरेस्टेड भी हो जाता, क्योंकि बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं ना उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सभी को रिप्लाई दे पाए। आप अगर रिप्लाई देते हो तो उनके माइंड में जो कमेंट कर रहे हैं ना, उनके माइंड में एक ही चीज़ आ रही है कि भाई वाकई में ही इस बंदे ने हेल्प की है, तो इसको अच्छी खासी नॉलेज होगी, एक बार इसके चैनल को विजिट कर लेते हैं। जैसे ही वो विजिट करेगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा, तो वो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और आपकी पूरी वीडियो देखेगा। सो गाइस, इसी तरह से आपको हर एक क्रिएटर्स जो भी हमारे टेक कैटेगरी से हैं, जो व्लॉगिंग से हैं, वहाँ पर जाना है और उनके नीचे कमेंट्स रीड करने हैं और उनको रिप्लाई दे देना है और उन्हें अपने चैनल पे इनवाइट कर लेना है कि भाई हमारे चैनल पर आ जाओ। ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब आपको 500 या 600 सब्सक्राइबर्स, ऐसी ही ऑडियंस जो एक्टिव ऑडियंस है वो मिल गई, और उनमें से 200, 250, 300 व्यूज़ अगर आपको आ जाते हैं और वो आपकी पूरी वीडियो को देखते हैं, तो भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वीडियो किस लेवल की ग्रो करेगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं बताता हूँ नई वीडियो में। जय हिंद।